हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडको केयर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे खांसी के बारे में, कफ, जिसको हम कफ कहते हैं। खांसी, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी आती है और उसमें तरह तरह का सिरप इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो खांसी उनकी जाती नहीं है या चली भी जाती है कुछ लोगों की। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे, हम ये जानेंगे कि कौन कौन से सिरप आते हैं, क्या क्या कंपोजिशन आते हैं। जैसे डेक्सामेथासोन, फिनाइलफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनामाइन मैलिएट का सिरप आता है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरे हाथ में भी, अस्थाकाइन डीएस के नाम से आता है। फिनाइलफिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें है और क्लोरफेनामाइन मैलिएट है, प्लस डेक्सामेथासोन, तीन दवाएं। इसी के साथ साथ कुछ में यह रहता है कि डेक्सामेथासोन एंड क्लोरफेनामाइन मैलिएट आता है, उसमें फिनाइलफिन हाइड्रोक्लोराइड नहीं होता है। तो ये दोनों दवाएं क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या हर खांसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डीएस कोई भी सिरप जिसमें डेक्सामेथासोन है, या कुछ अलग अलग सिरप भी आते हैं। तो अगर आपको खांसी इम्फाइजिमा की वजह से, ब्रोंकाइटिस की वजह से, क्रोनिक कफ है जिसमें बलगम नहीं है, जिसमें सिर्फ आपको खांसी आ रही है, ड्राई कफ है, उसमें हम डेक्सामेथासोन का सिरप या डॉक्टर डेक्सामेथासोन का सिरप इस्तेमाल कराते हैं। डेक्सामेथासोन क्या है, वो एक्चुअली एक कफ सप्रेसेंट मेडिसिन है, यानी खांसी को ही वो कम कर देगा, वो खांसी का जो रिफ्लक्स एक एक्शन है उसको वो डाउन कर देगा, जिससे खांसी आना बंद हो जाएगी। ये हम उस कंडीशन में कर सकते हैं जब फेफड़े के अंदर बलगम नहीं है। अगर बलगम होगा तो हम डेक्सामेथासोन सिरप नहीं देंगे, क्योंकि हमको वहाँ पे बलगम निकालना है, तो हम वहाँ पे लियोसल्बुटामॉल प्लस एम्ब्रोक्साल का कम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे अस्थाकाइन एलएस सिरप या प्लेन अस्थाकाइन सिरप इस्तेमाल होगा, ताकि पेशेंट का बलगम, एम्ब्रोक्साल क्या है, म्यूकोलाइटिक मेडिसिन है, बलगम को छाटने वाली, काटने वाली, उसको निकालती है। उसके बाद लियोसल्बुटामॉल क्या है, वो ब्रांको डायलेटर है, जो आपकी सांस की नली उसको डायलेट कर देगा, जिससे बलगम आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो खांसी भी कई तरीके की होती है। एक होता है एलर्जिक कफ, एलर्जी की वजह से खांसी आ रही है, ना पेशेंट को कुछ बलगम है, ना फीवर है, कुछ नहीं है, लेकिन बस उसको ठंडी से एलर्जी है, ठंडी का मौसम आया उसको खांसी चालू हो जाएगी। तो उसमें आमतौर से मॉन्टिल्यूकास्ट या ल्यूसिट्रिजिन का कोई कम्बिनेशन इस्तेमाल डॉक्टर्स कराते हैं। तो ये होता है तरीका। अगर आपको एलर्जिक कफ है तो आप कभी भी एम्ब्रोक्साल का सिरप या कभी भी डेक्सामेथासोन सिरप आपको इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं है, खुद से ही दवा लेते हैं मोस्टली, जो आपको करना नहीं है, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसको दिखाना है, उसके बाद दवा लेनी है। आपकी खांसी की पहले डायग्नोसिस बन जाए कि खांसी आपको किस तरीके की है। अगर आपको बलगम की खांसी है, इन्फेक्शन की वजह से खांसी है, तो कोई एंटीबायोटिक चलेगी, उसके साथ आपको अस्थाकाइन या एलएस या कोई भी एलएस का सिरप कोई भी मार्केट में जो अवेलेबल है वो डॉक्टर्स अपने हिसाब से देते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको ड्राई कफ है तो उसमें डेक्सामेथासोन, जो कफ सफिशेंट मेडिसिन है, उसी के साथ साथ फिनाइलफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनामाइल मैलिएट साथ में इसलिए दिया जाता है, ताकि अगर एलर्जी भी है साथ में, एलर्जी भी है तो वो भी खत्म हो जाए, नाक में कुछ जकड़न है, नाक बंद है, वो भी खत्म हो जाए। तो इस तरीके से दवा दी जाती है पेशेंट को। इसी में एक ड्राई कफ में एक बेनाडिल सिरप बहुत ही अच्छा काम करता है, वेरी वेरी नाइस सिरप फॉर ड्राई कफ। तो बेनाडिल सिरप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ने पे, डॉक्टर की सलाह के बाद। तो खांसी के बारे में सबसे पहले आप ये जानिए कि खांसी आपको कौन सी है, ड्राई कफ है, वेट कफ है, बलगम वाली खांसी है, बगैर बलगम वाली है, एलर्जी की खांसी है। अगर आप खुद से मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, काउंटर पर जाके डायरेक्ट दवा ले रहे हो, तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको खांसी कौन सी है, कौन सा सिरप आपको लेना है। कोई भी सिरप नहीं चलेगा, नहीं फायदा होगा, आपको नुकसान होगा। तो सबसे पहले कोशिश ये करिए कि अपने किसी भी चेस्ट फिजिशियन से, जो भी चेस्ट का डॉक्टर हो, या अगर आपको नहीं मिलता है, गाँव में रहते हैं, देहात में रहते, तो जो भी आपके यहाँ कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर हो उसको एक बार दिखा लो। दिखाने के बाद उससे मशवरा कर लो, मशवरा करने के बाद दवा इस्तेमाल करो, आपकी खांसी 100% खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही सिरप इस्तेमाल करते रहोगे बगैर डायग्नोसिस के, बगैर किसी उसके, तो आपकी खांसी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर दे सकूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।